रास्ता रुक जाएगा। सबको बहुत बहुत बधाई, नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बधाइयां। बहुत प्यार करते हैं सर। मैं भी सबसे प्यार करता हूँ। पेड़ दब जाएगा, पेड़। अरे एक मिनट, सर आपकी भूमिका क्या है? एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी मेरी। वरिष्ठ लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। शपथ ली है सुविधा होगी। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। मेरे श्रद्धेय नेता के जन्म जयंती के दिन मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है, वो मध्य प्रदेश में काम करने की जिम्मेदारी है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश के हित में काम करूंगा। यही संकल्प आज हम सब ने लिया है। फ्यूजन अच्छा होता है। जी सर, मंत्री की शपथ ली है, क्या कुछ आपकी प्राथमिकता, किसको धन्यवाद देंगे? देखिए, प्राथमिकता हमारी यही है, हमने पहले भी कहा कि सब लोग पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे और जो सरकार का दायित्व मिलेगा उसमें काम करेंगे। और अभी हम लोगों का लक्ष्य है चुनाव लोकसभा का 29 की 29 सीटें भाजपा को जीतना, इंक्लूड छिंदवाड़ा भी जीतना, ये हमारा लक्ष्य है। युवा और जो वरिष्ठ नेता दोनों का एक बार हमें देखने को मिला है। युवा भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, महिलाओं को पर्याप्त नेतृत्व मिला है, ये इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ वरिष्ठ नेता जो उनको हटाया गया, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, कुछ वरिष्ठ नेता जो मंत्रिमंडल में थे उनको इस बार नहीं रखा गया, क्या कारण? ये मेरे हाथ में नहीं है, पार्टी का जो सोचना होगा, पार्टी कहीं ना कहीं सबको काम देगी। जाओ नहीं यार, तुम चाय पीने, तुम चाय पीना जाओ। एक फोटो सर, आज मंत्रिमंडल की आपने भी शपथ लिया, पहले भी आप मंत्री थे, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली है? देखिए, सरकार की प्राथमिकता थे है हम शिक्षा स्वास्थ्य के जो अधूरे काम उनको पूरा करेंगे, विकास की और गति को तेज करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प है उन संकल्पों को हम धरातल तक ले जाएंगे और लोगों को एक राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसको नीचे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। अब तो मुख्यमंत्री जी देखा, आपको इस बार जगह दी गई मंत्री। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश नेतृत्व को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। 6 महिलाओं को जगह दी गई मंत्रिमंडल में, इस बार कह सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी सही अर्थों में महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करती है और आज के मंत्रिमंडल में 6 महिलाओं को जगह देकर साबित कर दिया। महिलाओं ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो जो काम सौंपेंगे मैं बहुत निष्ठा से करूंगी। प्राथमिकता रहने वाली आज आपने शपथ ग्रहण की, पार्टी ने जो दायित्व दिया है मैं हमारे पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता मध्य प्रदेश को नंबर एक करना, मध्य प्रदेश के विकास के कार्य, कल्याणकारी कार्य और यहां के आदिवासी व सभी समूहों का पूर्ण तरीके से विकास हो और उनके हमारे युवाओं को नए अवसर प्राप्त हो, इसके लिए हम एक टीम वर्क के रूप में कार्य करेंगे और देश के मुखिया प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे भारत को जो दुनिया का नंबर एक राष्ट्र बना रहे हैं, मध्य प्रदेश को हम नंबर एक राज्य बनाएंगे। वरिष्ठों को शामिल नहीं किया गया, कुछ वरिष्ठ गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, इनको इस बार शामिल नहीं किया गया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें वरिष्ठ नहीं है, बड़ा संतुलित मंत्रिमंडल है, इसमें वरिष्ठ भी है, जूनियर भी है, क्षेत्रीय संतुलन भी है और जो वर्गों का संतुलन है, मुझे लगता है कि इससे श्रेष्ठ संतुलन मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता था। आप किस विभाग में जाना चाहेंगे जिससे आप मजबूती दे पाए, आप अपने खुद को समझते होंगे कि किस? यह कोई भी कार्यकर्ता जो दायित्व नेतृत्व समझेगा वो हमें देगा, हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी जो उचित समझेंगे और उस दायित्व का हम निर्वहन करेंगे। शपथ ली है, क्या कहना चाहेंगे, किसको धन्यवाद देंगे, क्या कुछ प्राथमिक? पार्टी और संगठन दोनों और हमारा नेतृत्व जो है उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने छोटे से कार्यकर्ता ऊपर भरोसा किया है तो निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ उसमें खरा उतरने का। नए जो विधायक रहे कुछ बार जीत के, उनको भी मौका दिया गया है? देखिए, नए पुराने का संगम है, उनको इसलिए लिया गया कि उनको ट्रेनिंग दे करके या सिखा करके जो पुराने लोग हैं उनसे वो काम सीखें
कैसे काम करते हैं और उनको आगे की बहुत तैयार की जा रही है। आप किस विभाग में जाना चाहेंगे जिससे मजबूती दे ये पाए? ये तो माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, जो जिम्मेवारी मिलेगी वो उस पर काम करूंगा। थैंक यू।